Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we discuss how to use Abacus tool and its counting. So, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लास्ट वीडियोस में फिंगर काउंटिंग सीख ली होगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। Abacus टूल को इमेजिन करके क्या आप वन ड्रॉ कर सकते हो? टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। सो हम लोग फिंगर काउंटिंग सीख लिए हैं। अब इस Abacus टूल पर काउंटिंग सीखना इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। मैंने पहले इस टूल के बारे में थोड़ा बताया हूँ, लेकिन आज इसको अच्छे से जानते हैं। इस Abacus टूल को हम सोरोबन बोलते हैं, क्योंकि ये एक जैपनीज टूल है। वैसे तो Abacus एक चाइनीज इन्वेंशन है, लेकिन चाइनीज Abacus थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें ऊपर की तरफ यहाँ टू बीट्स और नीचे फाइव बीट्स होती हैं। उसे हम सोपन कहते हैं, पर इसको हम सोरोबन कहते हैं। और ये टूल सबसे फाइनेस्ट टूल माना जाता है। जो आप आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम फ्रेम बोलते हैं। इस फ्रेम के अंदर ये एक लाइन को हम वैल्यू बार कहते हैं, और इसको रॉड्स बोलते हैं जिन पर ये बीट्स लगी होती हैं। जैसे आप नोटिस कर रहे हो, इसका शेप बिल्कुल हमारे हाथों के जैसे है। हाथों में नीचे फोर फिंगर्स, यहां पर भी वन टू थ्री फोर, यहां पर भी फोर बीट्स लगी होती हैं। और आपके हाथों में एक थंब, इसमें भी ऊपर में सिंगल बीट्स लगी होती हैं। इस वैल्यू बार में आपको कुछ डॉट दिख रहे होंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। हमें हमेशा सेंटर पॉइंट यहां से स्टार्ट करना पड़ता है। सेंटर डॉट्स को हम वंस प्लेस कंसिडर करेंगे, और जैसे हम जानते हैं वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, ये सब वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड बढ़ती जाती है। तो हम भी अपना लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, और अभी हम राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक चीजों को फॉलो करके हम Abacus स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग अपने हाथों में वन बनाया था, सेम वैसे ही स्टूल में भी हम लोग वन बनाएंगे। सेंटर रॉड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेंटर को हम लोग वंस प्लेस कंसिडर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये बन गया फोर। अब इसके बाद हम फाइव बनाते हैं, तो याद कीजिए हम बस थंब यूज करते हैं। इसमें भी फाइव बनाने के लिए ये फोर बीट्स को नीचे करके और ऊपर बीट्स को नीचे करना पड़ेगा। जैसे ये वैल्यू बार पर टच होगा, इसका वैल्यू फाइव हो जाएगा। अब फाइव के साथ हमें सिक्स बनाना होता है, तो हम फाइव सिक्स इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं। तो यहां पर हम वन बीट को वैल्यू बार में टच करेंगे और इसे सिक्स बना देंगे। सिक्स, वैसे ही सेम सेवन एट एंड नाइन। सो जैसे हम वन हैंड पर मैक्सिमम नाइन बना पाते थे, सेम स्टूल पर भी नाइन तक ही बना पाएंगे ईच रॉड। तो अगेन हम लोग सेम काउंटिंग करते हैं, फिर हम लोग बड़े नंबर पर काउंट करेंगे। जैसे अभी वैल्यू बार पर कुछ भी टच नहीं हो रहा है, मीन्स इसका वैल्यू जीरो है। अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग, वन टू
एंड फोर। फाइव बनाने के लिए इसको नीचे करेंगे और ऊपर वाले बिट्स को वैल्यू बार से टच करेंगे। ये बन गया फाइव। अब आगे सिक्स सेवन एट एंड नाइन। सो अब नाइन के बाद अब हम लोग बनाएंगे टेन, क्योंकि टेन बनाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ता है। तो बनाते हैं टेन। पहले हम लोग फिंगर काउंटिंग से टेन बनाते हैं, 1 0। सो सेम टेंस के प्लेस में हम लोगों को करना है वन, मीन्स यहाँ पे वन, और ये सब बिट्स को क्लियर कर देंगे। ये हो गया 0 1 और 0 10। तो सेम 1 1 11 12 13 14। अब 15 बनाने के लिए हम ये चारों बिट्स को नीचे करेंगे और अपर बिट्स को नीचे टच करेंगे। तो 1 और 5, ये हमारा बन गया 15। इसी तरह 1 6 16 17 18 19 20। बनाने के लिए लेफ्ट हैंड में 2 बीट्स और राइट हैंड साइड सारी बीट्स को क्लियर कर देंगे। ये हमारा बन गया 20। इसी तरह आप कितना भी काउंट कर सकते हो। अब हम एक रैंडम नंबर लेंगे और उस नंबर को इस एबाकस टूल में काउंट करके दिखाएंगे। तो रैंडम नंबर लेते हैं 28, 2 8, 28। अब रैंडम नंबर लेते हैं 29, लेते 44, 4 4। अब रैंडम नंबर लेते हैं 56, 5 6 56। अब रैंडम नंबर लेते हैं 75, 7 5। अब रैंडम नंबर लेते हैं 90 9 0। अब रैंडम नंबर लेते हैं 99। जैसे हमने अपने हैंड्स पर मैक्सिमम 99 बनाया था, अब 99 से ज्यादा हाथों से बनाना पॉसिबल नहीं है और हमारे पास सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन एबकस के पास बहुत सारे हाथ है। ईच रॉड इज इक्वल्स टू 1 हैंड। ये 99 के बाद 100 बनाना हो तो हम 100 प्लेस वाले रॉड पर जाएंगे और 1 बनाएंगे, और टेंस और वंस को प्लेस को क्लियर कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 100। अब अगर हमें बनाना हो 101, तो 1 10 के प्लेस में ऐसे ही छोड़ देंगे 0, और 1 के प्लेस में 1। ये हो गया हमारा 101। अब हमें 102 बनाना होगा, तो 102, 103, 104, 105 के लिए चारों बिट्स नीचे और ऊपर वाला टच कर देंगे। 105, 106, 107, 108, 109, 110 बनाने के लिए यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है, यहां पर बनाएंगे 1 और यहां पर वंस के प्लेस में 0, 110। पहले मैं सब बिट्स को रिमूव कर देता हूं और बनाता हूं 135। तो मैं 100 प्लेस पर बनाऊंगा 1 और 10 प्लेस पर बनाऊंगा 3 और 1 प्लेस पर बनाऊंगा 5। ये हमारा बन गया 135। अगर मुझे बनाना है 769, तो
प्लेस पर सेवन, 10 प्लेस पर सिक्स और 1 प्लेस पर नाइन। ये हमारा बन गया 769। अगर आप वन रॉड पर काउंटिंग करना सीख जाते हो तो आप सारी रॉड पर जितनी लंबी काउंटिंग चाहे कर सकते हो। तो लास्ट एक बड़ा नंबर ड्रॉ करते हैं, 7098। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, 7098। तो 1000 पर सेवन, 100 पर छोड़ देंगे जीरो, 10 प्लेस पर नाइन और 1 प्लेस पर एट। अगर आपके पास एबाकस टूल नहीं है तो आप अभी इस टूल को इमेजिन करके अपने हाथों से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको एबाकस टूल यूज करना आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।